धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जुड़ी कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जो हम आपको अक्सर सुनाते हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के इस एडोरेबल कपल, इस लवेबल कपल, इस लेजेंड कपल की एक और कहानी सुनाने वाले हैं। यूँ तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जुड़ी कई बातें आपको मालूम होगी कि इनकी शादी काफ़ी विवादित थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने पहली शादी के बावजूद बिना तलाक हेमा से दूसरी शादी रचाई थी। लेकिन ये भी सच है कि हेमा मालिनी के प्यार में धर्मेंद्र जब पड़े, उनके लिए हेमा को हासिल करना सपने जैसा लगता था और उसे वो पूरा करना चाहते थे। आज हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ज़िंदगी से जुड़ा ये राज रमेश सप्पी ने खोला था। दरअसल फिल्म शोले के लिए धर्मेंद्र वीरू के किरदार के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इस फिल्म में ठाकुर का किरदार ज़्यादा दमदार था और धर्मेंद्र को इस किरदार से प्यार था। धर्मेंद्र चाहते थे कि वो ठाकुर का ही किरदार प्ले करे। इसके लिए धर्मेंद्र बहुत ज़िद्द कर रहे थे, लेकिन जब धर्मेंद्र को रमेश सिप्पी ने बताया कि हेमा मालिनी इस फिल्म में बसंती के रोल में है और ठाकुर के किरदार में आपको रोमांस करने का मौका नहीं मिलेगा और वीरू के किरदार में आप उनके साथ रोमांस कर सकते हैं, तो धर्मेंद्र फट से राज़ी हो गए, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही हेमा मालिनी के ऊपर बहुत फिदा थे और हेमा मालिनी से उनके करीब आने का मौका ढूंढते थे, उनसे प्यार का इजहार करने का मौका ढूंढते थे। फिर क्या, बिना झिझक फिर धर्मेंद्र तैयार हो गए। ये किस्सा रमेश सिप्पी ने साझा किया था और ये बात रमेश सिप्पी ने हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते को लेकर बताया था और तब तो हेमा मालिनी की खूबसूरती पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री दीवानी थी और धर्मेंद्र तो उनके प्यार में पहले ही पागल थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।